हेलो सर, वेलकम टू नाइस स्पोर्ट्स। सर, जस्ट अभी आप नेशनल चैंपियन बने, तो किस तरह देखते हैं? क्या ये फर्स्ट टाइम आप नेशनल चैंपियन बने कि इससे पहले बन चुके थे? नहीं, मैं इससे तीसरी बार नेशनल चैंपियन बना हूँ। इससे पहले भी मैं दो बार पहले बन चुका था, फिर एक बार मैं बेलारी में लॉस हुआ था, अभी जो पिछले साल 2019 में हुई थी जो, फिर अभी दोबारा मैं नेशनल चैंपियन बना, तीसरी बार नेशनल चैंपियन बना हूँ। लास्ट दो बार कब तक बने थे? मैं 2016 में और एक बार 2019 में, फिर 2021 में फिर लॉस हुआ था, फिर अभी दोबारा चैंपियन बना। 21 में क्या था आपका ग्राउंड? सिल्वर सिल्वर था जी। अगर हम ओवरऑल आपका लास्ट ईयर देखें, काफी अच्छा था। आप कॉमनवेल्थ गेम्स में गए थे, वहां आपका मेडल जीता था। आई थिंक नेशनल गेम्स में गए थे आप? नेशनल गेम्स में गोल्ड था मेरा और एशियन चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज था आपका, तो काफी अच्छा गया था लास्ट ईयर आपका जी। किस तरह से वो मोटिवेशन देगा आपको कि नेक्स्ट काफी ज्यादा कॉम्पिटिशन जी? वही तो, पिछले जो परफॉर्मेंस है वो भी अच्छी चल रही है। अभी जो जैसा भी नेशनल चैंपियन बन गया, इस साल की शुरुआत नई शुरुआत अच्छी हुई है और आगे भी इससे अच्छी होगी। वो ऐसे भी प्रैक्टिस करेंगे, कोशिश करेंगे कि और अच्छा हो परफॉर्मेंस। ओके, अगले साल वर्ल्ड चैंपियनशिप जी, चैंपियनशिप ठीक है। तो क्या माइंड सेट है आपका ओलंपिक्स के लिए? साल बचा हुआ है, तो क्या माइंड सेट लेके चल रहे हैं? जो उस हिसाब से प्लानिंग करेंगे कि किस कैसे ट्रेनिंग करना है, क्या है। अभी तो कैंप लग जाएगा एक हफ्ते बाद, फिर वहीं पर फिर वहीं से ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे फिर दोबारा। एक बार जब कोई बॉक्सर या कोई स्पोर्ट्स पर्सन जैसे मेडल जीत जाता है किसी बड़े टूर्नामेंट में, लाइक कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स या वर्ल्ड चैंपियनशिप, ओलंपिक्स, तो उम्मीद और बढ़ जाती है। तो वैसा प्रेशर आप आता है, मेंटल प्रेशर होता है? मेंटल प्रेशर तो नहीं, मैं प्रेशर ज्यादा ये नहीं, बस इसके लिए क्या मोटिवेट होना जरूरी है, बस मोटिवेट रहता हूँ हमेशा। फिर एक तो प्लानिंग भी होती है कि कैसे करना है, क्या करना है, उस हिसाब से खेलता हूँ मैं। थैंक यू सो मच भाई, ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर। थैंक यू सर, थैंक यू।